हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जियाज किचन एंड व्लॉग्स। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया और खाने में बहुत ही टेस्टी होने वाली है और बाकी के रेसिपी से थोड़ी सी अलग भी होने वाली है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्लाइडर्स। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे बनाना है। और मैंने ये चिकन स्लाइडर्स की रेसिपी ओवन में बनाई है। और अगर आपके पास ओवन नहीं होगा तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप ओवन की जगह एक बड़े साइज़ का बर्तन ले सकते हैं। उसमें इस तरह की, ये देखिए, इस तरह से रिंग या फिर कोई स्टैंड रख सकते हैं और उसको 5 मिनट के लिए गर्म करके लेना है उस बर्तन को। और फिर उसके बाद हमें वो जो चिकन स्लाइडर के जो प्लेट होगी वो उसमें रख देनी है और फिर उसके बाद ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए बेक होने देना है। तो हो गया ओवन का भी प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारी आज की चिकन स्लाइडर की रेसिपी। तो सबसे पहले एक पैन में हम 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होते ही अब हम इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज को अच्छे से बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इस प्याज को हम सौते करके ले लेंगे। हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा सौते करके ले लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी प्याज के साथ थोड़ा सा सौते करके ले लेंगे। 2 मिनट इनको सौते करने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन हरी मिर्ची और कोरिएंडर की पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक इनको 2 मिनट हम सौते करके ले लेंगे। 2 मिनट बाद अब हम इसमें हमने जो चिकन वॉश करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन का यूज़ किया है, अच्छे से वॉश करके लिया है। और चिकन के पीस हमको छोटे छोटे साइज़ में रखने हैं, बहुत बड़े नहीं रखने हैं। छोटे साइज़ के चिकन होंगे तो जल्दी से कुक होंगे। तो यहाँ पे हमारे चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होते ही अब हम इसमें आगे के मसाले ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून इतनी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। 2 मिनट इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनमें हमारे आगे के सॉसेस ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून भर के सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1.5 टेबल स्पून भर के रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं होगा तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करके इन सब को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। चिकन और सॉस को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के 5 से 8 मिनट तक कुक होने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर में हम हमारा यहाँ पे चिकन कुक हुआ है कि नहीं चेक करके ले लेंगे। एक बार सबको मिक्स करके ले लेंगे। आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ चिकन को कट करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से कट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचप ऐड कर देंगे और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के मेयोनीज ऐड कर देंगे। मेयोनीज ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा ये चिकन की फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करके गैस बंद कर देंगे और इन सब को मिक्स करके ले लेंगे। और अब हम इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमारी फिलिंग ठंडे हो रही है तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली हुई है और उसमें मैंने 6 पाव लिए हैं और उनको बीचों बीच कट लगा के इस तरह से हम बीच से खोल के ले लेंगे। अब हम इसमें टोमेटो केचप ऐड कर देंगे और स्पून के हेल्प से टोमेटो केचप को चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करके ले लेंगे। हमारा केचप स्प्रेड करते ही अब हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मोज़ेरेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ दोनों का यूज़ किया है। आप चाहे तो सिर्फ मोज़ेरेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये चीज़ हम पाव पे ऐड कर देंगे, जितनी ज़रूरत होगी आप उतना ही ऐड कर देना। इसके ऊपर अब हमारा आएगा चिकन की फिलिंग। तो चिकन की फिलिंग भी हम अच्छे से भर भर के इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें चीज़ के स्लाइस ऐड करके ओपन वाले पाव के साइड में बटर लगा के ले लेंगे और पाव क्लोज करके ले लेंगे कुछ इस तरह से।
और अब हम इस पाव के ऊपर के हिस्से पे बटर और धनिया मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा लगा के ले लेंगे, उससे हमारे पाव को अच्छी से शाइन आएगी। ये सारी प्रोसेस करते टाइम मैंने ओवन को 5 मिनट के लिए प्रीहीट करने रखा हुआ था, तो हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इस स्लाइडर को ओवन में 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। दस से 15 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे गरम गरम स्लाइडर्स एकदम से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो इस इफ्तारी आप इस चिकन स्लाइडर्स को ज़रूर बनाना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।